हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हो यहाँ पे इस किचन में। किचन आपको दिखा देती हूँ मैं। हाँ जी, मेरे पास दो किचन्स हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने दो घर खरीदे थे, दोनों को कंबाइन कर दिया था। तो या वी हैव वन स्पेयर किचन, तो इसको हमने क्या किया है आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बाय द वे, इस किचन के ऊपर सिर्फ ये वाली सेल्फ थी जब हमने घर खरीदा था, ब्लैक कलर की सेल्फ, वो दोनों किचनों में थी और वो एक सिंक था, दैट्स इट। टैप और ये सारी अलमीरा वगैरह ये हमने खुद बनवाई है, मेरे भाई ने बनवाई है। ठीक है जी, हमने कल क्या किया, आंटी को मैंने बुलाया था, हमने इसको थोड़ा बहुत सेट वेट करने की कोशिश की थी। जो मेरा एक्स्ट्रा सा सामान होता है ना, जिसको आपको यूट्यूब के बैकग्राउंड में रखना है, ये वो जो भी मैंने थोड़ा बहुत खरीदा हुआ था वो मैंने यहाँ पे टिका दिया। ठीक है जी, प्लांटर्स बाय किए थे अभी, इनमें पौधे वगैरह अभी हमने कोई भी प्लांट्स की शॉपिंग की नहीं है। लाइव प्लांट्स ही मुझे रखने का शौक है, तो मैं फेक या आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने भी नहीं वाली। ये एक पीआर था जो मुझे ब्रांड की तरफ से रिसीव हुआ था, इसकी अलग से क्लिप बनानी है, जो बेचारा दिवाली में मेरे को भेजा था ब्रांड ने, अभी तक मैंने बनाया नहीं, वेरी बैड ऑफ मी। ये मामाअर्थ की तरफ से आरव के लिए आया था, दिवाली पे पीआर आया था, वो ऐसे इसको डब्बे में पैके था, कल इसको अनबॉक्स किया मैंने। ये अगारो का ये दो तीन सामान है, पीछे भी है, इसके मेरे को वीडियो बनानी है। ठीक है जी, ये हमने अभी यहाँ पर रखा, प्लांटर्स यहाँ से हट जाएंगे। ये जो पोर्शन है ये मैंने अपने फिश टैंक के लिए रखा, फिश टैंक अभी वही वाले घर पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक एक या दो दिन में, तो फिश टैंक यहाँ पे रखूंगी मैं अपना। ये जो स्पेस है ना, ये पूरी इतनी लंबी सी स्पेस, मुझे इसको प्रेस करने वाली जगह पर आई, मुझे अलग से प्रेस टेबल नहीं लेना था, तो ये यहाँ पे प्रेस करेंगे हम कपड़े अपने। तो दो तीन चीजें मैंने मंगवाई हैं, ये अमेजोन के पार्सल है, नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांड, खुद मंगवाया है। मैंने सोचा ब्लॉग बना ही रही हूं तो दिखाती हूँ क्या क्या चीजें हैं। फोन को टिका दिया है साइड में। बाय द वे, हां जी, हमारे पास दो नए लैंप्स भी हैं। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे लैंप्स हैं, मैंने टोटल पता नहीं यार, तीन चार छह सात लैंप्स, अच्छा आई थिंक इसमें भी एक लैंप होगा। ये मेरे गेस्ट रूम के लिए मैंने लैंप मंगवाया है फ्रॉम ब्रांड कौन सा, होम सेंटर का। देखते हैं कैसा आता है, अगर तो मुझे पसंद आया तो मैं एक और पीस मंगवा लूंगी दोनों साइड में रखने के लिए। अभी गेस्ट रूम की भी तैयारी कर रही हूं मैं, बैक हैंड में बेड का मैंने डिजाइन विजाइन सोच लिया है, कलर भी सोच लिया है, तो देखती हूँ। बिहाइंड ये दोनों लैंप अमेजोन के, अमेजोन इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि अमेजोन वाले मुझे कुछ नहीं भेजते बट यार क्या करूँ, कहीं कुछ सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन वहीं पे बाय करते हैं ना, घर बैठे जो चीज पसंद आती है खरीद लेते हैं। चलो फटाफट इस डब्बे को खोलते हैं एंड फैंसी लेते हैं। लाइट आपको कम लग रही होगी यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक छोटू सा 30 वॉट का बल्ब जल रहा है। मैंने अमेजोन से फिलिप्स का ना 50 वॉट का बल्ब भी मंगवाया है यहाँ पे दो तीन जगह पे लगाने के लिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी जगह है यहाँ पे ना अनबॉक्सिंग वगैरह करने की, और मेरे कमरे में भी मुझे चाहिए यहाँ पे, ये मेरे साथ स्टूडियो रूम है ना, तो यहाँ पे भी चाहिए। अभी स्टूडियो रूम तो बहुत फैला हुआ है, धीरे धीरे यहाँ सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आई थिंक प्रेस है, गर्मी डालना पूरा सफाई करवाया हुआ, पता है ये पूरा कमरा भरा हुआ था, इतना गत्ता 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 गत्ता, पर मैंने सब चीजों को खुलवाया और अपने सामने रखवा लिया कि चलो मेरे सामने रहेगा, मेरे को पता लगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ओके, टिश्यूज का भी अभी मैं आपको बताती हूँ। वी हैव आवर न्यू प्रेस, ये ओके। स्टीम आयरन का क्या है ना कि हमको आदत है थोड़ी सी प्रेस को यूज करने की, तो प्रेस के साथ मैंने एक फिलिप्स की मंगवा ली है, ये मेरे को 1700-1800 की पड़ी, वैसे 3000 रुपए इसका कॉस्ट है, 2295, तो कितना हुआ 2300 इसका कॉस्ट है, बट ये मुझे पड़ी 1700-1800, याद नहीं आ रहा यार, लिंक दे दूंगी, कल ही ऑर्डर किया और आज आ भी गई, वन डे डिलीवरी थी इसकी। ओके, बढ़िया भाई, ये तो बढ़िया है, नहीं पीछे से बढ़िया, इतनी सी जगह इसके लिए। अब यहाँ पे कुछ रखेंगे इसके ऊपर बिछाने के लिए, वो भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये रही हमारी प्रेस। कोड नहीं है मेरे पास, कोड मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो एक स्विच बोर्ड है वो पीछे, वो मेरे फिश टैंक के लिए भी काम आ जाएगा। पीछे आपको दिख रहा है स्विच बोर्ड था वो पीछे, प्लांटर के पीछे एक ही है यहाँ पे,
तो ये नहीं, एक इधर भी है, बट हम मैं पीछे पीछे से तार निकाल कर यहाँ पे प्रेस के लिए अपना सिस्टम कर सकती हूँ। टिश्यूज है, ये भाई ने ऑलरेडी यहाँ पे ना मंगवा के रखे हुए थे गाड़ी के लिए रखने के लिए, फेशियल टिश्यूज है ये, अमेजोन का ही ये ब्रांड है, ये सोलिमो। मैंने अब इसके साथ क्या जुगाड़ किया हुआ ना, मैंने एक एक टिश्यू के साथ, अब भी आपको वीडियो में दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है, एक एक टिश्यू को हमने अपनी पूरी अलमारी को सेट किया है, तो एक एक टिश्यू में एक एक ना मैंने फिनेल की मोटी मोटी गोलियां और एक एक उसमें डाल दिए कबर्ड में, ताकि वो पूरी ना कोई कीड़ा वगैरह ना लगे या कोई भी ऐसा ही ना प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी सर्दियों के सारे कपड़े में मैंने डाले, कैसे डाले वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये है सोलिमो के फेशियल टिश्यूज, भाई ने किए थे ना, तो एक डब्बा तो ऑलरेडी मेरा खत्म हो गया, तो मुझे लगा इसको मैं मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी ये सब में हमने डाले नहीं, इसमें मैंने सारी सेटिंग कर दी इसकी, तो कल हमारे पास था नहीं, फिनाइल भी मंगवाई, फिनाइल होगी यही से, ये मेरे फिनाइल बहुत पसंद आई मुझे, ये गेंडा ब्रांड की फिनेल है, मोटी 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 गोलियां है इसकी। कैसे मैंने इसको अब डाला है ना, मैंने दो पैकेट मंगवा ली, क्योंकि अभी मेरे को और पैकिंग करनी है, उधर जो घर में ना, उधर वाले घर में उधर जो कपड़े ना उनमें भी रख के आ जाऊंगी, थोड़ी सी जो मेरी आंटी है ना घर पे जो काम करती है, जिन्होंने सारी सेटिंग करवाई, वो मुझे बोल रही थी मेरे को थोड़े से टिश्यूज और थोड़े से मेरे को फिनेल आप देना, मुझे ये वाली चीजें ही बड़ी, उनको बड़ा अच्छा लगा ये देख के, उन्होंने बोला तुम ना फिनेल डायरेक्ट डाल दो, मैंने बोला अगर डायरेक्ट डालूंगी तो एक कपड़े में ज्यादा लग जाएगी तो स्मेल भर जाएगी। मम्मी को फोन किया, मम्मी ने बोला डायरेक्ट मत डालना, किसी टिश्यू में डाल के डालना, टिश्यू से वो बाहर उसका निकलता भी रहेगा और एक कपड़े में एकदम ऐसे जाके स्टक भी नहीं करेगी, ठीक है। और ये मंगवाया है मैंने पहली बार, मेरे को नहीं पता नहीं कैसा, मैंने देखा कि प्रेस करने के लिए प्रेस तो चाहिए कि यहाँ पे, ये मुझे बड़ा अच्छी लगी, फैन हमारा लगा है, लाइटिंग है, बाहर नेचुरल लाइट आती है इधर से, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये सेल्फ को मैं यूटिलाइज करूं, क्योंकि खाना वाना तो देखो मैंने इसके ऊपर बनाना नहीं, वो हमारी उधर वाली किचन है। बाय द वे मैंने अपनी फ्रिज खरीदी, आपने बोला ब्लॉग देखा नहीं, देखा मैंने मेन चैनल के ऊपर भी पूरी वीडियो डाली थी, उसमें ना ब्रांड का कॉन्टेंट था, तो वो जो ब्रांड वाला कंटेंट था वो हटा के मैं अपने ब्लॉग चैनल पे डालू, क्योंकि ब्रांड कंटेंट तो सिर्फ मेरे मेन चैनल पे ही जाएगा ना, वो जो पार्ट था वो स्पॉन्सर्ड था, तो ब्लॉग वाले चैनल के लिए वो वाला पार्ट हम स्पॉन्सर्ड वाला निकाल देंगे बाहर, और हम अपने ब्लॉग चैनल पे भी वो वाला ब्लॉग डालेंगे। मेन किसी ने कमेंट किया कि दी जो आपके ब्लॉग्स होते हैं ना वो आप अपने मेन चैनल पे मत डालो, अपने ब्लॉग चैनल पे डालो, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ब्लॉगिंग यहीं पे डालनी है ब्लॉग चैनल पे, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत बड़ी कोई चीज होगी, जैसे मेरे लिए ड्रीम फ्रिज थी वो मेरी फ्रिज बाय करनी, तो वो मेरे इसी चैनल, मेरे मेन चैनल पे भी जाएगी और ब्लॉग चैनल पे भी जाएगी, ये एक अचीवमेंट है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, हम आए दिन मैं रोज आपको फ्रिज नहीं खरीद के दिखाऊंगी, मैंने अगर कोई गाड़ी खरीदी तो मैंने मेन चैनल पे डाला था, रोज दिन मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगी, और समझ रहे आप, जो एकदम स्पेशल वाली वीडियो होगी ना वो मैं दोनों जगह पे डालूंगी। हाँ, और हमको इतना बोलते बोलते गर्मी लग गई। चलो जी, बातें करते करते, ये है हमारा प्रेस करने वाला कपड़ा, विच इज लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे प्रिंट्स हैं, बट मैंने ज्यादा तामझाम नहीं लिया, मैंने सिंपल ग्रे कलर का बेसिक ले लिया, बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। मोटे की बात करूं तो नॉट सो मोटा, बस ठीक ठीक सा है। आप चाहो तो आप इसके अंदर एक मोटी सी चद्दर को, अपनी डबल बेड की चद्दर को यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे रख सकते हो। वैसे आजकल तो स्टीम आयरन का बड़ा शौक, वो क्या बोलते हैं उसको, पकड़ने वाला जो आयरन होती है यार, मुझे ठीक है, मुझे पता नहीं, कोई ये वाली प्रेस से आ रखे, पापा को भी ज्यादा पसंद आती है ऐसे ऐसे करके, जो आदत पड़ी है, पर मैंने अभी रखी है, ठीक है ना, बाहर हमने रोज सुबह स्कूल जाना होता है कपड़े प्रेस करके भेजने होते हैं, ऐसे थोड़ा भेज सकते हैं, सेट करते हैं फिर दिखाते हैं। ये है इसके साथ ही ना कुछ ऐसा वाला रिबन सा, बट मेरे को तो यहाँ पे सही लग रही है इसकी जगह, यहाँ पे लगा दो, काम हुआ तो आप यहाँ पे अपनी प्रेस को ऐसे टिका सकते हो, ठीक है जी। ये वाला है, तो अभी हमको ब्लिंकिट से हमको अपना कोड मंगवाना पड़ेगा, मैंने ब्लिंकिट को ऑर्डर अभी तक किया नहीं है, ब्लिंकिट से वो 15 मिनट में आ जाएगा, मैंने कोड पसंद तो कर लिया था, ये इतना चौड़ा है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेस करने के लिए, स्पेस बिल्कुल साफ है, बाहर ये क्या है चटाई सी पड़ी, इसको धूप लगवानी है इसलिए यहाँ पे पड़ी हुई है, और टॉवल यहाँ पे इसलिए टांगा है क्योंकि मेरा जो स्टैंड है ना कपड़ों वाला, वो अभी वो बोले घर में अभी आएगा यार, धीरे धीरे सारा सामान आएगा ना, एंड चलो अब इसको बॉक्स को खोलते हैं, सच इसके अंदर क्या है। चलो जी, लाइटनिंग आज कम लगेगी तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मुझे हो रहा ना कि ये प्रेस वाला मुझे सिस्टम से अपना रेडी करना था, कल आराम ने अब स्कूल जाना, तो उसके लिए मुझे कपड़े प्रेस करने थे,
दो दिन से तो यार उसकी शर्ट ही नहीं प्रेस करी थी, स्वेटर डाल के मैं भेज दे रही थी, बट आज इतनी गर्मी थी ना, उसने उठा के वहीं पे बोलता कहता मम्मी मैंने उतार के स्वेटर अपने बैग में डालू, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, प्लस स्कूल से अब नोटिस आ गया कि यू कांट वियर योर विंटर यूनिफॉर्म, मतलब स्ट्रिक्टली अब उन्होंने नोटिस भेजे, तो गर्मियों वाले डालने, तो गर्मियों वाले डालने तो भाई शर्ट वर्ट कपड़े वपड़े सब प्रेस वेस होने चाहिए ना, तो दो दिन से तो दो चार दिन से तो वैसे जुगाड़ करके पूछती थी आपसे। चलो ये क्या है, मैं भूल गई, हाय मैं कई बार ना ऑर्डर इकट्ठा एक साथ, अच्छा लैंप 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 अभी तो बोला मैंने आपको, होम सेंटर का लैंप है ना, वही है शायद, डिलीवरी शो तो कर रहा था ये भी, एक या दो दिन में ये भी डिलीवरी होगी इसकी, अगर तो ये अच्छा लगा तो मैं और मंगवाने वाले, क्योंकि ये मुझे इसका बड़ा सुंदर लगा था मेटल वाला हिस्सा, मैंने एक दिन ना वीडियो बनाऊंगी अपने मेन चैनल इसी के लिए बनाऊंगी, देखती हूँ मैं अपने जितने मैंने लैंप्स खरीदे ना नए घर में ना मैंने लैंप्स बहुत खरीदे हैं, 5-6-7 डिफरेंट तरीके के और प्लांटर्स खरीदे हैं, तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको सब दिखाऊंगी, ठीक है। क्या हुआ, अरे फोन ही गिर गया मेरा, कुछ नहीं हुआ, ये एक सेकंड रुको बेटा, ए रुको रुको रुको, कपड़े के ऊपर हटा देती हूँ, हाँ अब नहीं स्लिप करेगा, ये क्यों मिला, रुको बेटा, हाँ यार ये ब्लर ब्लर सा रहा है, चलो छोड़ो, एस्फाल्ट लिखा है, हाय गाइस करो, ये यार आराम लाइटनिंग इधर कम है ना इस वजह से, दोबारा मैं रख सकती हूँ फोन करू ना, साथ साथ में अगर मैं कोई सामान खरीदा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, ताकि अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप अपने लिए बाय कर सकते हो, थोड़ा वैसा सुंदर लग रहा है, और दिस मेटल पीस इज शाइनिंग अलॉट, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अभी पता नहीं क्यों लाइटिंग इतनी बकवास आ रही है ना, बत्ती नहीं भेजी क्या बल्ब, वाह वाह पैसा बचा लिए, वाह बेटा वाह, इसमें दूसरा बल्ब जाएगा सिंपल वाला E22 वाला ही, नॉर्मल बल्ब जाएगा, तो नॉर्मल बल्ब है मेरे पास, देखो लगा के, आई लव दिस पार्ट, एक और ऑर्डर करने वाली हूँ मैं इमीडिएटली इसको, ये मेरे गेस्ट रूम में दोनों साइड टेबल्स के ऊपर बहुत प्रिटी लगने वाला है, शेप इज वेरी प्रिटी, ठीक है, इसके अंदर ना नॉर्मल वाला बल्ब ही जाएगा, देखिए बट फिर ये बंद नहीं होगा, छोटे साइज वाला जाएगा, मेरे पास है नहीं छोटे साइज वाला, ये तो नहीं जाएगा E27, वो भी ये नहीं जाने वाला, ये दिखाना पड़ेगा यार, लिखा नहीं है क्या इन्होंने, पढ़ना पड़ेगा मुझे इसका लीफलेट, बाय द वे आप देख लो, अब मैं आपको दोबारा अपने किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी इसके साथ का कोई भी नो नेक्स्ट बल्ब वगैरह मंगवा के दिखा के ये बल्ब लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इस पीस की बात करूं तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा ना, इस तरह से, ठीक है, तो ये साइड लैम्प बहुत प्यारा लगेगा, बैक कैमरे दिखा, देखो गाइस अब मैंने इसको लॉक नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे, बल्ब हमको लेके आना पड़ेगा, यार ब्रांड अगर 20 रुपए का बल्ब डाल देंगे तो जान थोड़ा निकल जाएगी इनकी, बट नहीं इनको कॉस्ट कटिंग करनी होती है, तो नहीं ना इसके अंदर नहीं है बल्ब, नहीं है बाय द वे ये था, एनीवेज हम मंगवा लेंगे, पीस इज रियली प्रिटी यार, एक और आना चाहिए ऐसा, एक और आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, यहाँ से आपका ऑन ऑफ हो जाएगा, और ये रहा मेरा स्विच, ठीक है, चलो बहुत सुंदर लगा मुझे, लिंक्स आपको सबके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जी ये थी मेरी 2-3 डब्बे खोलने थे, मुझे लगा चलो मैं वीडियो में ही खोल देती हूँ, थोड़ा सा व्लॉगिंग के लिए कुछ समझ भी तो आना चाहिए ना, कमरा मन नहीं कर रहा दिखाने का, इतना मेस पड़ा हुआ रहा, इतना मेस पड़ा रहा, अभी तो इतना मेस था जो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, कहाँ था मेरा फोन, मुझे एक ब्रांड के साथ बात करनी है, उनको मैंने कुछ ब्रीफ भेजा था, उन्होंने बोला कि आपने रीड किया या नहीं रीड किया, तो जब तक ब्रीफ रीड नहीं करते हैं तब तक मैं वीडियो के लिए ओके नहीं करती, क्या प्रोडक्ट है समझना था, तो चलो बैक कैमरे से ना बड़े झटझट झटझट आपको दिखाते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ क्लीन कर लिया है घर में, बस मेरा वाला कमरा रह गया, रुको इट्स ऑल मेस, कोई बात नहीं हम इसको धीरे धीरे करेंगे, भी लाइटें बंद की हुई है ना मैंने, हाँ ये देखो इधर, यहाँ पे अभी मैं शूट कर रही थी, ये रहा मेरा बैकग्राउंड, ये जितने एलिमेंट्स है ना धीरे धीरे मैं सबके ना शॉट वगैरह डालूंगी, सब अमेजोन से बाय किया मैंने खुद ही, यहाँ पे अभी देखो मेरे मैस की ओ सब डब्बे में डाल दूंगी, खत्म हो जाएगा काम, हो जाएगा सॉर्ट आउट, ये अभी पैक कर दूंगी अभी इसको, पता है क्यों, ये
हमारे गेस्ट रूम के लिए, और गेस्ट रूम हमारा कौन सा है, ये भी काफी हद तक कमरा हमारा सेट हो चुका है, मतलब बहुत कुछ था यार यहाँ पे, कैसे समझाऊं मैं आपको। अभी तो दो तीन पैकेट्स हैं जो ऊपर की अलमारी में जाएंगे, ऑलरेडी हमने रख लिए थे लेकिन ये ना उठाए और जा नहीं रहे थे अंदर, ये आरव के पापा करेंगे, मैंने और आंटी ने मिलकर ऑलरेडी सामान रख लिया था। मैं आपको क्या बोल रही थी ना फिनाइल की गोलियों के बारे में, तो दिखा देती हूँ। ये अभी थोड़े बहुत कपड़े रखे, अभी ढंग से रखे नहीं है, मैं ये बोल रही थी आपको, मैंने एक एक खाने में ऐसे टिश्यू के अंदर फिनाइल की ये मोटी मोटी सी गोलियां रखी हुई हैं, ठीक है, एवरी खाने में दिख रही है आपको पीछे। ऊपर तो मैंने जो पूरा था ना 6, 7, 8, 9 पता नहीं कितनी गोलियां डाल डाल के फेंक दी थी, और एक एक बैग में, इसमें मेरे वेलवेट वाले सारे सूट्स वगैरह हैं, ये शू रैक है इसमें तक मैंने डालनी हुई है, ये देखो इधर कहीं पे पड़ी होगी, वो देखो फिनाइल की गोली, ठीक है ना, हमने सब में डाले ताकि सही रहे कपड़ा, हर एक कोने में डाली, इधर भी कहीं देखो पीछे कहीं पे फंसी होगी, ठीक है जी, और इधर सब तरफ डली होगी, दिख रही है ना आपको। चलो ये भी हमने अमेज़न से बाय किया था, ये हमारी फ्रिज का डब्बा है जिसको हम बाद में इधर उधर करेंगे, मतलब वो कर देंगे बाद में, लेकिन ये तीन सामान है ये अभी ऊपर जाएगा, इधर ऊपर चढ़ेगा, हमसे नहीं चढ़ा, आरव के पापा चढ़ाएंगे, और ये अभी मंजी बिछी हुई ऐसी पुरानी सी चद्दर, अब यहाँ पे हमारा बेड बनेगा, बेड के मैंने डिज़ाइन वगैरह सोच लिया, ये होगा मेरा गेस्ट रूम, मम्मी वगैरह भाई पापा कभी आएंगे तो यहाँ पे स्टे करेंगे। दिस इज मी, ये छोटू सा बाथरूम है, और ऑल सेट कर दिया है इसको मैंने। चलो गाइस यही था छोटा सा अपडेट एंड छोटा सा व्लॉग, व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं हम, ये मेरा स्टूडियो होम है जो साथ में ही है, अब अगर मैं उस तरफ जाऊंगी ना तो मेरा घर आ जाएगा, आई मीन घर कह दो तो घर है, अब मुझे ना यहाँ के लिए चाहिए, मतलब दिस लुक लाइक मेस, लेट मी शो यू, मुझे आप लोगों के सजेशंस चाहिए, ठीक है। चलो अब मेरे को आपने सजेशंस दो, लाइट इतनी अजीब सी लग रही थी, चलो सजेशंस दो, यहाँ से एक हम एंट्री करते हैं ना, ये दिखता है, ये तो देखो कूड़ा, ये तो आज इकट्ठा किया गया है, बहुत सारा कबाड़ आंटी ने बेच दिया, 250 रुपए ले लिए, उन्होंने बोला मैं कबाड़ खुद बेचूंगा, मैंने बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे घर से ना ये गंद सारा साफ करना है, पूरा कबाड़ भरा हुआ था गत्ता 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 गत्ता, तो हमने बेच लिया है, उसमें भी अभी थोड़ा सा सामान है उसको सेट डाउन करना है, वो आज अभी आरव का टेबल ओपन हुआ ये चला जाएगा कबाड़ में, वो गंदे कपड़े हमारी अभी तक मशीन आई नहीं है तो हमने साइड में अभी करके रखा हुआ है। ये रही मेरी किचन जो आप अभी अंदर से देख रहे थे ना, ये के लिए मेरे को कुछ सजेस्ट करो, मेरे को कुछ यहाँ पे ऐसे लगाना है जो ना दिखे मत, ये पाइप वॉश बेसिन, ये डस्टबिन, ये झाड़ू पोछा, ये फिनेल और ये पोचा, मतलब ये नहीं दिखना चाहिए भाई ये सारा एकदम बेकार लगता है, क्योंकि ये दोनों दरवाजों के ऐसे सामने नजर आता ना तो अच्छा नहीं लगता है। अरब की बॉल पड़ी हुई है, मीन वाइल आरवी क्या करती है, लेट्स सी। इस कमरे के लिए भी अभी सोफा आएगा, देखते हैं धीरे धीरे। तुमने दूध पिया या नहीं पिया, बस इतना बता दो, नहीं पिया तो थप्पड़ पी लिया ना, पक्का पी लिया ना, कप दे दो, कप दे दे, मैंने पता है, नहीं पता क्या होता है बच्चे गिरा देते फिर, वो नहीं मुझे पता बेटा, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो किचन में सारे अभी सामान इसलिए मेरे बाहर है, मैंने सबको धुलवाया आंटी से थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में नहीं धुलवाया, पानी डाल दो, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे अंदर सारा क्लीन करवाना है, अच्छी तरह से क्लीन करवाना है, स्प्रे करना है, किचन थोड़ी सी अंदर से स्मेल कर रही है, मुझे सजेस्ट करो किचन क्यों स्मेल कर रही है अंदर से, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हल्का सा ना कोई फंगस या कुछ वैसी कोई, देखना पड़ेगा एक बार मुझे ना किचन, हमने ऐसे आके सामान सारा रख दिया था और मुझे सब इसको एक बार क्लीन करवाना पड़ेगा अंदर से। मेन वाइल ये है नई फ्रिज जिसको अभी तक हमने ओपन नहीं किया, लाइट छोटी सी जल रही है ना, ये अभी चल रही है, चलो ये क्यों लाइट जलाई हुई थी तुमने बेटा। गाइज यही था आज का ब्लॉग, खत्म करते हैं ना छोटू मोटू सा ऐसे ही,
अगर आपको ऐसे मेरे रैंडम वाले छोटे छोटे से ब्लॉग्स पसंद है तो मैं ऐसे ही ना छोटे छोटे से ऐसे बीच बीच में मैं ऐसे डालती रहूंगी, जिसमें मैं अपना काम भी कर लूँ, घर भी संभाल लूँ, सेटिंग भी कर लूँ। क्योंकि किसी ने कमेंट किया था ब्लॉगिंग नहीं करो, अपने ब्लॉग चैनल पर ब्लॉगिंग करो ताकि आपको सिल्वर प्ले बटन मिल सके। तो यस, हमको चाहिए सिल्वर प्ले बटन। अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ और एडिट करके अपलोड करती हूँ। सब कुछ बता दिया, दिखा दिया ना जो जो अभी था। ब्लिंकिट्स ऑर्डर करती हूँ मैंने, है ना, मैंने वो प्रेस के लिए ऑर्डर करना है, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी सारी सेटिंग करके। बाय। वैसे ना मैंने अपनी वीडियो को एंड कर दिया था, बट ब्लिंकिट से सामान जो मैंने ऑर्डर किया था वो 15 मिनट में आ गया। मैंने सोचा चलो मैं 2 मिनट का और वीडियो मैं अपने इसी में डाल देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्लस मुझे अपनी प्रेस भी चेक करनी है क्योंकि हमारा एक्सटेंशन कोड भी आ चुका है। तो फटाफट से इसको ओपन करके देखते हैं। इस एंगल से इसलिए शूट करने लगी क्योंकि बाकी की जो क्लिप होगी ना, आई थिंक आई विल अपलोड इन अ शॉर्ट और अ रील। या लेट्स बिगिन। आपके लिए ना ये सिर्फ एक ब्लिंकिट का ना पैकेट हो सकता है, जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ ओपन करूंगी एंड शेयर करूंगी। बट गाइस, इस वीडियो में एक बहुत अच्छा सा मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, स्पेशली लड़कियों को, यंग गर्ल्स को, लेडीज को जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बाय द वे, पैकेट में जो ब्लिंकिट ने नहीं भेजा, मैंने खुद ही बाय किया है। मैसेज ये है कि आप अपने अंदर ना कुछ हैबिट बिल्डअप करो जो आपको आगे चल के ना इनकम दे, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम बने। अभी इधर उधर टाइम पास करने में, टाइम वेस्ट करने में अभी कुछ नहीं रखा। आप एक टाइम आएगा शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, कि जो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी ना, वो आपको एक ऐसी अलग तरीके की, जो आपको फ्रीडम मिलेगी, सुकून मिलेगा, इंडिपेंडेंस मिलेगी, आपकी अपनी स्पेस मिलेगी, जो कि मैं अपनी मर्जी से अपने घर को सजा सकती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें बाय कर सकती हूँ, जैसे मर्जी वैसे रह सकती हूँ। तो सोर्स ऑफ इनकम अपनी खुद की होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। तो डटे रहो, करते रहो, जो मेहनत कर रहे हो, जो काम कर रहे हो ना, करते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल। ब्लिंकिट का पैकेट तो आपने देख लिया, ठीक है ना। ये मेरी बेवकूफ़ी देख रहे हो ज़रा, मैंने एंकर का ये पैनासोनिक वाला ये मैंने मंगवा लिया, ठीक है। प्रोडक्ट तो अच्छा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मंगवाया था स्पेशली प्रेस के लिए, और प्रेस की जब मैंने तार खोली वो बंद हुई, तो वो तो आराम से जा रही थी इधर, तो मतलब मुझे रिक्वायरमेंट थी ही नहीं इसको खरीदने की। ऐसे ही मैंने खरीद, पर चलो कोई बात नहीं, घर में ऐसा एक्सटेंशन कोड काम आ जाता है। एनीवेज, ये मेरा सेटअप तैयार हो गया है कपड़े प्रेस करने वाला, क्योंकि मुझे इस किचन को कुछ तो यूज़ करना था, और वो जो जगह है वहाँ पर मेरा वो आ जाएगा, फिश टैंक आ जाएगा बस। क्योंकि अलग से मुझे टेबल नहीं बाय करना था। इसकी अगर मैं रिव्यू की बात करूँ ना, तो गाइज ये मुझे इसके नीचे ना चादर बिछानी पड़ी, डबल बेड की चादर है जिसको मैंने ऐसे फोल्ड करके बिछा दिया, क्योंकि ये स्लिप कर रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा है स्लिपरी सा, मतलब चादर बिछा दोगे ना फिर बहुत अच्छी ग्रिप बना देगा। इसमें और भी बहुत सारे कलर डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रहा हमारा सेटअप, यही थी आज की वीडियो। बाय। अरे बाय करते करते प्रेस को ऑन तो करके देखा ही नहीं, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चीज़ें मंगवा लो लेकिन इसके बाद चेक भी तो करनी पड़ती है इमीडिएटली उसी दिन, चीज़ सही भी आई है या नहीं सही आई है। ओके, ये क्रीज है, इसको देखा। अरे ये तो गर्म भी होगी इतनी जल्दी, वाओ। ये थी मेरी 1440 वॉट वाली, नहीं हाँ 1900 सीरीज लिखा, बट ये 1440 वॉट वाली थी। जितनी ज़्यादा वॉट होते ना उतनी जल्दी ये जल्दी गर्म भी हो जाती है और ये प्रेस भी अच्छी तरह से करती है, ठीक है, इट्स गुड। ओह बहुत गर्म है, चलो डन, सारा कुछ डन, बाय। और जब ये गर्म है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो इसके ऊपर, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी। वेरी नाइस।